स्वर्गीय लांस नायक नजीर अहमद वानी सेना मेडल 16 जनवरी 2004 को 162वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना में भर्ती हुए थे। वे एक बहादुर एवं अलंकृत सैनिक रहे। उन्होंने दक्षिण कश्मीर में कई ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने में अपना अहम योगदान दिया। उनकी असाधारण शूरवीरता तथा कर्तव्य परायणता के लिए उन्हें 2 बार सेना मेडल से नवाजा गया था। 25 नवंबर 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के गांव में सशस्त्र 6 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर लांस नायक नजीर अहमद वानी ने अपनी टीम के साथ लक्षित मकान की ओर पहुंचकर स्वयं मोर्चा थाम लिया। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड से घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। बड़ी निडरता से उन्होंने अत्यंत निकट की गोलीबारी में एक कट्टर आतंकवादी का सफाया कर दिया और अनुकरणीय कौशल से उस कमरे में ग्रेनेड दाग दिया जहां पर दूसरा आतंकवादी छिपा हुआ था। स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने भागते विदेशी आतंकवादी को आमने सामने के मुकाबले में मार गिराया। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए उग्रता तथा साहस के साथ उन्होंने मुकाबला जारी रखा और दूसरे आतंकवादी को भी घायल कर दिया, परंतु आतंकवादी ने उन्हें पुनः घायल कर दिया और वे अपने जख्मों के कारण शहीद हो गए। इस तरह से लांस नायक नजीर अहमद वानी ने कट्टर आतंकवादियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय वीरता का प्रदर्शन किया तथा राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक नजीर अहमद वानी की पत्नी श्रीमती महजबीन, साथ में है उनकी माताजी श्रीमती राजा बानू।